नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एयर फैंटास्टिक नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थर को क्यों रखा जाता है, तो हमारी वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों इस तरह के पत्थर आपको मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखने को मिल जाएंगे। इन्हें टेट्रापोड कहा जाता है क्योंकि इनकी चार टांगे होती है, और वहीं अगर इनकी तीन टांगे हो तो इन्हें ट्राइपोड कहा जाता है। इन तरह के पत्थरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां किनारों पर सड़कें अथवा बिल्डिंग हो। समुद्र की लहरें बड़ी ताकतवर होती है, और अगर यह समुद्र की लहरें सीधे उन बिल्डिंग या सड़कों पर टकराए तो उनको नुकसान पहुंचने का डर रहता है। इन्हीं नुकसान से बचने के लिए समुद्र के किनारे इन पत्थरों को रखा जाता है ताकि जब भी समुद्र की ताकतवर लहरें आए वह इन पत्थरों से टकरा जाए और आगे के रोड या बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। इनसे कई हानियां भी होती है। यह प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं क्योंकि समुद्र की लहरों को यह प्राकृतिक तरीके से वापस जाने से रोकते हैं। यह तेज लहरों के कारण किनारे की ओर आने वाले समुद्री जीवों की चोट का और उनकी मौत का कारण बनते हैं, और इनके कारण आसपास की व्यू भी अच्छा नहीं दिखता है। तो दोस्तों यही कारण है कि समुद्र के किनारे इन तरह के पत्थरों को रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।